वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बीजेपी कार्यालय के बाहर पुतला दहन किया गया। परीक्षा पेपर लीक मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने डोटासरा का पुतला दहन कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दीप सिंह वसुनिया ने बताया कि परीक्षा पेपर लीक मामले में कई कांग्रेसी नेताओं और मंत्रियों की भूमिका संदिग्ध है, जिसके चलते प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार से वंचित होना पड़ा है और उन्होंने करोड़ों रुपए लेकर अपने चहेतों को परीक्षा पेपर मुहैया कराया था। इन्होंने जो पेपर प्रकरण में इनके विधायक, इनके मंत्री जो लिप्त थे और कांग्रेस सरकार पूरी इसमें लिप्त थी, आप सब ने देखा होगा कि सागवाड़ा का एक कद्दावर नेता जिसके घर पे ईडी ने छापे मारे, 500 करोड़ से अधिक संपत्ति वहाँ पर मिली, उसी प्रकार से सारे कांग्रेसी बौखला गए। गोविंद सिंह डोटासरा के वहाँ ईडी ने छापा मारा और हम आज ईडी के समर्थन में वो भारत जनता युवा मोर्चा बांसवाड़ा ने आज डोटासरा का पुतला जला करके युवाओं के साथ में जो कुठाराघात किया है, आप सबको पता होगा राजस्थान के 5 साल की ये दरमियान सरकार में युवा कहीं कहीं इधर इधर भटकता हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए आज ये पेपर प्रकरण को लेकर के हमने गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला जलाया।